लीजिए दोस्तों, इस समय श्रीगंगानगर बनाम दुदू के बीच सुपर लीग का ये बेहतरीन मैच, और यहाँ लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, क्या पहुंची या नहीं, बोनस अर्जित किया, थोड़ा सा पीछे रह गई, शिलोजी चौधरी का इशारा, कॉमन एक एक पॉइंट दोनों टीमों के खाते में। 36-26 का स्कोर है, विलंब से जुड़ने के लिए खेद है। दूसरा हाफ इसमें स्टार्ट हुआ है क्योंकि कोर्ट नंबर एक पे दूसरा मुकाबला चल रहा था, और यहाँ फिर से एंगल होल्ड जबरदस्त शिकार करता श्री गंगानगर, 27 पे पहुंचता हुआ, 27-36 नौ अंक का बीपी पीछे है श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से। देखते हैं क्या वापसी कर पाता कि नहीं। दूदू दमदार यहाँ नजर आता हुआ, लेकिन बड़ी राइड इस समय देखेगा स्टार राइडर, क्या जज्बा है, क्या जुनून है, क्या जोश है। बोनस के साथ टच पॉइंट 29 पे पहुंचता हुआ, अब सिर्फ 7 अंक पीछे है श्री गंगानगर। देखते हैं गंग नहर की बहती दरिया में कितने पॉइंट और आते हैं। वक्त है अभी भी वापसी का, दूदू 9 नंबर में, रोमांचक होता मैच, सबकी निगाहें इस मुकाबले पे, क्योंकि सुपर 8 में 8 टीमें और सुपर लीग यहाँ लक्ष्य तक पहुंची, डबल टच पॉइंट 38 पे पहुंचता दूदू। फिर से वही वाले का जो कि स्टार रनर है गंगानगर की ओर से, काफी प्रतिभावान, और यहाँ 10 पॉइंट की मांग की गई मगर खाली हाथ ही वापस। बोनस माफ कीजिए, बोनस से सही स्कोर में वृद्धि होनी चाहिए। यहाँ समय गुजारना दूदू का स्वाभाविक खेल। 38-30 का स्कोर, इस समय 8 अंक की बढ़त दूदू के पास, लगातार गणना इस समय स्कोरर के रूप में, तमाम ऑफिशियल्स और पूरी निर्णायक टीम इस वक्त कोचिंग इस समय दूदू टीम के साथ, कोच के द्वारा बेहतरीन गुरु मंत्र, और दूदू ने क्या गजब का खेल दिखाया, लगता है दूदू पीकर ही वो मैदान में उतरता हर बार, चाहे वो पुरुष वर्ग हो या छात्रा वर्ग। 68वीं राज्य स्तरीय अंडर 14 कबड्डी प्रतियोगिता 2024 इस वक्त रायसिंह अनूपगढ़ की तरणताल से, मैं गजानंद पुनः आपका स्वागत अभिनंदन। बोनस के साथ स्कोर में इजाफा करता 31 पे पहुंचा है श्री गंगानगर। 11 नंबर से इसमें दूदू, टोटस की कोशिश, 5 का डिफेंस, इसलिए बोनस ऑफ, गलती से बचना चाह रहा है इस समय दूदू ताकि बढ़त बरकरार रहे। और यहाँ देखिए जबरदस्त डिफेंस नजर आता हुआ, यह है दूदू, क्या बेहतरीन तरीके से एकता की मिसाल पेश कर रहा। एक बार फिर मैना ही आगे जा रही हैं, डिफेंस कमज़ोर होता हुआ इस समय श्री गंगानगर का, जबकि समय बिताना फितरत दूदू की बालिकाओं द्वारा। कंधे थोड़े से झुके हुए इस वक्त श्री गंगानगर के, 11 नंबर में बालिका, जरूर इरादे मजबूत होंगे, और उसी मजबूत इरादों के साथ टच पॉइंट जाता हुआ गंगानगर की नहर में। मैना फिर से आगे आ रही है, एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, बोलो है ना दूदू आगे है ना। श्री गंगानगर से निश्चित रूप से आगे, और बढ़त बनाए हुए मनोवैज्ञानिक रूप से भी बढ़त, प्रेशर में नजर आता हुआ श्री गंगानगर। वापसी की बरसक कोशिश, लेकिन देखिए क्या चैन में फंसाया है दूदू ने, अपना खेल कमाल का दिखाया है, इसीलिए तो वो हर रेड के ऊपर खुश नजर आया है। और जब जब मैच बढ़ता है समय समाप्ति की ओर, तो वो जश्न मनाता ही नजर आया। 40 दूदू जबकि 32 गंगानगर, 8 अंक की बढ़त कम नहीं कही जा सकती, बेशकीमती 15-5-15 के मुकाबले में सुपर लीग का ये बेहतरीन सुपर मैच, जिसमें दूदू सुपर डुपर, क्या फिर समय गुजारेगा, जोखिम उठाने की आवश्यकता इस समय श्री गंगानगर को, नहीं तो ये समय ऐसे ही बीत जाएगा। फिर 25 सेकंड के बाद ही वापस लौटे 32-40, 8 अंक पीछे, और वो दबाव शारीरिक भाषा शैली से देखा जा सकता है। 11 नंबर से अच्छा प्रयास दूदू की ओर से भी, 11 नंबर में मैना है जिन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन किया, और वहीं गंगानगर की ओर से भी 11 नंबर, तो काफ़ी अच्छा सुगुन के रूप में ये पहचान संख्या नज़र आ रही है दोनों ही टीमों में, लेकिन समय ज़ाया करना लाजमी,
हनुमानगढ़ के दृष्टिकोण से सांस लेना चाहते हैं, ललचाने की कोशिश। ऑफिशियल टाइम आउट। ऊंची जी समय देख लीजिए, दूर दूर की ओर से लगातार हिदायत देते हुए अपने स्थान से ही, क्योंकि ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। गुरु मंत्र इस समय इशारों में कितना फ़ायदा उठाता है, बढ़त है। हालांकि ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं होनी चाहिए दुद्धू के लिए। पुनः मार्किंग की गई है बोनस लाइन को, ताकि किसी प्रकार की अंपायर से त्रुटि ना हो, क्लियरिटी पारदर्शिता के साथ है निर्णय हो और खिलाड़ियों को संतुष्टि मिले। 10 पॉइंट फिर से मांग की गई है, देखते हैं। नहीं, प्रयास जरूर किया था मगर खामोशिया ही समय गुजारना हनुमानगढ़ का अब मजबूत पक्ष। 32-40 का स्कोर काफ़ी देर से दिखाई दे रहा है, समय करीब 2.5 मिनट के आसपास। कितना वापस मैच में लौट पाता है, 8 अंक पिछड़ने का दबाव गंगानगर के ऊपर गहरा तबाह। बड़ी रेड यहाँ, 1 से 2 पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होने चाहिए इस एंगल से जैसे देखने को मिला। दुदू को 2 पॉइंट का झटका लग सकता है, 2 पॉइंट का इशारा तबाह। 34-40 अब छैंक पीछे गंगानगर। मैं ना बोनस के लिए देखिए कितने आक्रामक अंदाज है, पलक झपकते ही 2.5 से 3 सेकंड में ही बोनस पूरा किया है। नारी शक्ति के रूप में भी यहाँ मैच का आनंद उठा रहे हैं, भले ही पुरुष प्रधान देश लेकिन महिला शक्ति इस वक्त। अंतिम 2 मिनट का खेल शेष, खामोश कदमों से ही वापस। मैं ना फिर से आगे, पिछले रेड से बोनस से स्कोर 41 बढ़ाया था, 7 अंक अभी भी आगे। और यहाँ कुछ दर्शक भी चर्चाएं कोचिंग के रूप में देखी जा सकती हैं, कुछ गहरी चर्चाएं हो रही हैं समय, क्योंकि गंगानगर पीछे है। चर्चाओं का सिलसिला, क्योंकि रोमांचक बोर्ड पे मैच और श्री गंगानगर जैसे पीछे है, थोड़े से चिंता के भाव नजर आ सकते हैं चेहरे पे। खूबसूरत कबड्डी की वानगी इसमें रायसिंह नगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़, माफ कीजिए। 42-42 34 का स्कोर यानी 8 अंक जो काफ़ी देर से देखने को मिला, 60 सेकंड शेष, यानी अब चमत्कार भी शायद ही मुश्किल ला पाए श्री गंगानगर को। 27 सेकंड के बाद कम बैक रेडर सुरक्षित, 8 अंक की बढ़त। ग्यारह नंबर में अब अंतिम औपचारिकताएं श्री गंगानगर की ओर से, अंडर प्रेशर हनुमानगढ़ के, माफ कीजिए श्री गंगानगर दुदू के सामने, जबकि इस वक्त रायसिंह नगर अनूपगढ़ से देख रहे हैं ये सुपर लीग का सुपर डुपर मैच। सेफी वापस समय गुजार कर लीजिए, इसी के साथ खेल समाप्त होता हुआ। 42-34 8 पॉइंट के अंतर से दुदू ने श्री गंगानगर को पराजित किया, बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है। और इस समय श्री गंगानगर की बालिका निश्चित रूप से भावुक पल, यहाँ अच्छा खेल रही थी लेकिन टीम को जिता नहीं पाई, इसलिए थोड़ा सा निराश। जबकि दुदू ने क्या गजब का खेल दिखाया, देखिए कोच यहाँ लगातार हौसला अफजाई करते हुए बधाई देते हुए तमाम बालिकाओं का, ब्रिलियंट प्लेड, बहुत बहुत बधाई इस जीत के लिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच। यह है दुदू की टीम जो कि कमाल का प्रदर्शन दिखाया, अगले मैच के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।